भी जो ट्रैक सूट है ना कॉर्नर में, ये वाला आई जस्ट लव दिस, लेकिन इसे खरीदने के लिए दो बार मरना होगा, एक बार में नहीं पाएगा। 9200 ओके, सो 9200 दिरहम, तो ये हो गया 9 × 2 = 18, तो ये हो गया कुछ 2 लाख के से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा। मुझे आजीवन कारागृह में रखेंगे उसके बाद देंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और हम निकल गए हैं। अब बेबी कहाँ जा रहे हैं? वो तो कैंसिल कर दिया ना तुमने, पाम व्यू कैंसिल किया है। हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत करेंगे जो अच्छा लगेगा। और फिर आज हम लोगों को जाना है कहाँ? ग्लोबल विलेज। तो आज ग्लोबल विलेज जाएंगे। हाँ, हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी दुबई में, आई डोंट नो अगर हमें मिलने का टाइम मिलेगा कि नहीं, बट अगर मिला तो हम लोग मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये प्लान है और मैं एक्साइटेड हूँ। ये मुझे कह रहा है कि तुम ना वो लग रही हो बैंड बाजे वाली, देखना दोस्तों जरा मैं क्या लग रही हूँ, क्या ऐसा मतलब जिगमिक से? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मैं अच्छी लग रही हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है इसको अच्छा लगे ना लगे, बट आई एम ऑल सेट। और जूते तो मैंने पहन लिए हैं, लेकिन साथ में मैंने चप्पलें भी ले लिए हैं, क्योंकि चप्पल की तो अब जरूरत पड़ रही है। बेबी आखिर ले लो। तो हम लोग पहुंचते हैं दुबई मॉल और फिर आपको मिलते हैं। तो जी कैब में हम लोग बैठ गए हैं, जा रहे दुबई मॉल की तरफ। दुबई मॉल से ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं शाम को ग्लोबल विलेज के लिए। ग्लोबल विलेज में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के स्टॉल हैं और उनके कुजींस मिलते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बट मैं तो देखो खाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे खाने से ज्यादा मेरे को एक्चुअली डिफरेंट वही कुजींस मुझे ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। खाने का मतलब वही ना, लेकिन हर एक अलग अलग जगह के, मतलब ये है मेरा। मैंने भी यही बोला है। ठीक है, तो मैंने आपका वाला तो एडिट हो गया। आप अपना करिए ना, मेरा जो रखना है वो रखना। नहीं, आप पूरा एडिट करिए, आपका एडिट करना पड़ेगा। और देखती हूँ, मेरा अगर ये पार्ट नहीं रखा विनाश से तो देखती हूँ, ये पूरा एडिट कर दूंगा और मुंह ब्लर कर दूंगा, मुंह तो काले पोत दूंगा एडिट। वो तो वैसे ही पोती हुई है। और ये हम लोग पहुंच गए दुबई मॉल। आज एक्चुअली अलग वाले सेक्शन में पहुंचे हैं, जहाँ पे आई थिंक सारे ब्रांड्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रांड्स खरीदना चाहती हूँ, मेरे सारे पैसे ही लूट जाएंगे। अगर फिर भी कुछ बहुत ही ऐसा एक्स्ट्रा लगा तो ले लूँगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अविनाश का आज वॉलेट और एक बेल्ट तो डेफिनेटली ले लें, उसको ज़रूरत है। मेरे पास तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसके पास नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अविनाश है ना, आज मैं इसको ज़बरदस्ती मैं दिलवाई दूँगी, चाहे वो माइकल कॉस ले ले या गैस ले ले, मतलब जहाँ भी बाकियों से थोड़ा सा कम मिल रहा है वो ले ले, लेकिन ब्रांड्स के लिए तो ब्रांड्स हैं। और मेरे को लगता है एक ले लेना चाहिए अविनाश को, उसने नहीं लिया पहले, वो आ रहा है। खराब भी हो सकता है। तो एक वॉलेट फाइनल हो गया है अविनाश के लिए, ये जो इतना चमकादड़ गिरी कर रहा था, हो गया वॉलेट पक्का। अब लेंगे हम लोग एक बेल्ट, तुम्हारी सिलेक्शन है, तुम जो भी, या फिर उससे पूछ लेते हैं क्या कि कौन सा मेंस मेरे ख्याल से ये है, ये तो मुझे यूनिसेक्स लग रही है, मेंस मुझे ये लग रही है। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं लग रहा, मैं लूंगी बस, खत्म बात, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसा सारा खर्चा इसी में हो जाएगा। कौन सा लेना है तुम देखो। दीदी जो ट्रैक सूट है ना कॉर्नर में, ये वाला आई जस्ट लव दिस, लेकिन इसे खरीदने के लिए दो बार मरना होगा, एक बार में नहीं पाएगा। 9200 ओके, सो 9200 दिरहम, तो ये हो गया 9 × 2 = 18, तो ये हो गया कुछ 2 लाख के से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा। अपना नीचे ना चीचड़े वाले खरीदो, चलो मैं वॉलेट लेके दे रही हूँ तुम्हें, वॉलेट गिफ्ट है आया बड़ा। मुझे आजीवन कारागृह में रखेंगे उसके बाद देंगे। If you want, if it's, I don't know if it's a gift or if it's for you, but if you want, we can emboss your initials. So this is a gift for, I mean, I'm gifting him. This. Such a nice gift, very lucky. Thank you so much. We'll go with this. Maybe it's our gift. Are you happy? Yeah, very happy. Finally, Avinash ka wallet humne le liya hai, jo ki itni jaddojahed mein tha ki kaun sa loon. I finally le liya and I'm very happy about it. Oh. They've got us coffee. Thank you. So, जब तक अविनाश की इनिशियल्स वगैरह इसके लगेंगे तब तक हम लोग कॉफी पियेंगे। जब पैसा लुटता है ना तो फिर कॉफी और पानी तो फ्री ही मिलता है। Thank you so much, baby. बड़ी हिम्मत लगी है लेने में। ये ले, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, कुछ चीजें ले लेनी चाहिए। So, यहाँ पर मेरे इनिशियल्स एड किए जा रहे हैं। तो AD
So which one do you like, Avinash? Which one looks good according to you? Gold. Gold? Gold, yeah. I think gold looks good. Yeah. We should go with the gold. Okay. Yeah. AD without dot? No dot. No dot chahiye, baby. Kyun? A and D. No dot. ये प्रोसेस भी मैं पहली बार देख रहा हूँ. ये भी एक्सपर्ट लोग हैं जो इसको कर रहे हैं. गोल्ड प्लेट लगा रहे हैं. मैं भी इसका अलग से तो पैसा नहीं है. नहीं नहीं पक्का इसी में पूछ लेना. चुप रहो. बाद में बोले अंडरवेयर उतार के जाओ. तो ये टेस्ट चल रहा है कि ये कैसा लगेगा वॉलेट के ऊपर. सो इट्स नॉट वेरी क्लियर. ऐसे ए और डी के बीच में हमने थोड़ा गैप लिया है क्योंकि पास पास में अच्छा लग रहा था. समथिंग लाइक दिस. ए के. वाओ दिस इज नाइस. वाओ दिस इज वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. लवली स्पेशल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम अस. हूज बर्थडे? वाज यस्टरडे योर्स? ओह यस इट वाज माय. या हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, so, thank you. And what is this? This is a gift from Bichi. Tarabin paper. Ah, okay. Thank you. अभी पागल बना दिए. पैसे खींच के ये मंडला ड्राइंग दे दी हमको. ये गिफ्ट है. भाई ये ब्रांड्स का ना बहुत क्या बताऊँ. फिर भी कॉफी मिलाई है उन्होंने तुम्हें भाई. अरे कॉफी तो मैं कहीं और से भी पी सकता था. तो जी संभावना कही है विक्टोरिया सीक्रेट. मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ थोड़ी देर कॉफ़ी शॉप पे. कॉफ़ी नहीं पीऊँगा फिर बैठूँगा क्योंकि तो उसको लगने वाला है टाइम अच्छा खासा. तब तक मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी रील वील बनाऊँगा स्टोरीज डालूँगा. और क्या तेजी वो आ गई संभावना. काफ़ी अच्छा खासा भर के आई है भाई मामला. ओहो ये तो लग रहा है मेरे से बर्तन मंजवाएगी. बेबी इतना कुछ. अरे इसमें ना तुम ना बहुत चालू इसलिए तुमने मुझे पहले ही भारी आइटम खरीदवा दिया कि मेरा मुंह बंद हो जाए. तुमने पैसे से मेरा मुंह दबाया है. चलो अभी तुमने मेरा मुंह दबाया है. कुछ चीजें इसमें दिखा दूंगी. कुछ अभद्र चीजें हैं जो नहीं आपको दिखा सकती मैं. लेकिन लड़कियां समझ जाएंगी कि क्या है. लेकिन कुछ कुछ ऐसी आइटम्स है परफ्यूम वगैरह की जो मैंने और भी लिए यहाँ से. बाद में दिखाऊंगी आपको. भाई साहब ये दुकान में लिखा था बाय वन गेट थ्री फ्री. तो बाय वन गेट थ्री फ्री देख के मैं घुस गया. बेबी तुमने देखा क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? मेरे साथ छलावा हो गया. वो बाय वन में ही सारा कुछ उन्होंने अपना थ्री गेट फ्री ले लिया. मैंने कहा एक खरीदूंगा तीन और मिलेंगे तो यार इससे बेहतर सौदा क्या हो सकता है. सौदा करने चला था तो मैंने कहा बेल्ट ले लेते हैं यहाँ से. तो कहते हैं सर बेल्ट आफ्टर डिस्काउंट इज 140 dirhams. तो 140 dirhams हो गया. 140 dirhams तो ज्यादा पकड़ लो 2800 रुपए बेल्ट का. फिर तो वो थी कितने की असलियत में? डिस्काउंट के बाद जो 3000 की मिल रही है 25000 की बेल्ट थी वो. 3000 के बाद तो हम डिस्काउंट शुरू करते हैं. मेरे को बड़ा दुख हुआ है. चलो कॉफी पीते हैं. तो हम लोग आ गए अपनी फेवरेट जगह पे खाना खाने के लिए. तो थोड़ा सा दुबई मॉल के थोड़ा सा बाहर के एरिया में हम लोग आए हैं ताकि हम लोगों को कुछ खाने को मिले. तीन दिन तो पहले मुझे कॉफ़ी थी लेकिन अब टाइम हो गया भूख का भी. तो पहले कुछ खाएंगे फिर बाद में शायद हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे ग्लोबल विलेज के लिए. है ना तो खाना खा लो. बहुत भूख लगी है. जी हमारी गाड़ी आ गई है. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्लोबल विलेज के लिए लेकिन बीच में हमारा एक हॉल्ट है एंड उस कैफे का नाम है पिंक कैफे. तो ज़रा वहाँ पे कॉफ़ी ट्राई करेंगे. कैफे आपको दिखाते हैं हम भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सुना है उसके बारे में. सो अभी जाके हम लोगों को ट्राई करना है. पिंक कैफे पहुँच जाए फिर दोबारा ब्लॉक करते हैं. आयो तो हम लोग पहुँच गए हैं किसी जगह पे जहाँ पे ये है साया कैफे. सीक्रेट गार्डन कितना प्यारा है. देखो ओह माय गॉड सी द डेकोरेशन. वाओ. तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग आ गए हैं कहाँ पे कहीं तो साया कैफे है यहाँ पे जो कि मैंने सुना है बहुत खूबसूरत बना हुआ है. तो हम लोग उसका फर्जी कैफे नहीं आना. हमें उसका एक वो लेना है व्यू लेना है कॉफ़ी पीनी है और हमको देखना भी है कि वो वाकई उतना खूबसूरत है जितना बताया गया है कि शायद सिर्फ बताया गया है वो है नहीं. फिर जिसने बताया उसको जाके मैं अलग से मारूंगी. तो पहले मैं सर पहुँच जाऊँ और फिर आपको दिखाती हूँ. और सामने अगर आप देखोगे तो आपको बुर्ज खलीफा भी दिख जाएगा. ये देखो ये लॉर्ड पास जा रही हूँ. ये देखो बुर्ज खलीफा हर जगह से. बुर्ज खलीफा का तो हर जगह से ही व्यू है. सो यहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं. ये सारे कैफेज हैं. यहाँ पे भी कैफे है. हाँ क्या खुशबू आ रही है इस बकूर की. वाह बहुत बढ़िया खुशबू थी. जैसा मैंने आपको बोला था कि ये पिंक कैफ़े है
पिंक इसका थीम है, एक्चुअली इट इज ऑल पिंक, तो जो बताया गया था वो सही था एकदम। आओ मुझे फॉलो करो, इट्स ब्यूटिफुल। हमने जो कॉफ़ी है वो टेक अवे में ले लिया है, जो कि पिंक ही है, पिंक कप्स ही हैं। तो हम लोग अभी टेक अवे में लेके फटाफट निकल रहे हैं क्योंकि हमें ग्लोबल विलेज पहुंचना है और उसके लिए बहुत लेट हो जाएंगे। चीयर गाइस। ग्लोबल विलेज में और जो यहाँ की पार्किंग है ना और जो एरिया है, मुझे बिल्कुल ऐसी वाइब दे रहा है जैसे दिल्ली का सूरज कुंड का मेला होता है ना, वहाँ पे ऐसी पार्किंग होती है एकदम खचाखच, अपनी गाड़ी भी नहीं ढूंढ सकता आदमी। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, सुंदर ही है, बहुत सुंदर बाहर से ही देखे ना, और ऐसा ही कॉन्सेप्ट कुछ लग रहा है बिकॉज सारे देशों का अंदर कुजीन है और उनके स्टॉल्स है ना। हाँ, लेकिन ये जो बना हुआ है बाहर वो बहुत अलग फील दे रहा है, और मैं बता नहीं सकती कैसा, लेकिन बहुत अलग फील दे रहा है। देखो हम लोग एंटर कर गए हैं ग्लोबल विलेज में और अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, आपको एक बार दिखा देती हूँ। अच्छा बेबी, यहाँ पे शॉपिंग ट्रॉली भी है, इनकेस अगर चाहिए, बेबी कार्ट है, शॉपिंग ट्रॉली है, व्हील चेयर है। मेरे को लग रहा है मैं व्हील चेयर ले लेती हूँ। शॉपिंग ट्रॉली लेनी है तो बताओ। हाँ पता नहीं क्या क्या लेना पड़ जाए हमें, तो अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। नहीं, जो भी लेना है यही लेना है, तो इनकेस हमें पता नहीं शॉपिंग ट्रॉली अंदर लेनी है या हम लोग कुछ खरीदने वाले हैं, वी रियली डोंट नो, ले लेंगे शॉपिंग ट्रॉली एक, पता करती हूँ। तो जी हम लोग जिस एरिया में आए हैं वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में अब हम लोग एंटर करेंगे, तो रियल में पाकिस्तान जाए ना जाए यहाँ पे पाकिस्तान का पूरा मजा ले लेंगे हम लोग। ये एंटर किए हम लोग पाकिस्तान में, मतलब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान कुछ ऐसा ही दिखता होगा।